अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ब्लड फ्लो टू ह्यूमन ब्रेन के हवाले से डिस्कस करेंगे, यानी खून का जो बहाव है दिमाग के अंदर किस तरह होता है और इसके क्या फंक्शन है। हमारे दिमाग को प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमारे ब्रेन को ब्लड के थ्रू मिलती है, यानी हमारा जो ब्लड है इंटरनल आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी के थ्रू हमारे ब्रेन तक ये पहुँचाता है और छोटी आर्टरी के थ्रू भी ब्रेन सेल्स तक। जो दिमाग के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट से मिलती है और वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अडल्ट ह्यूमन ब्रेन में एक मिनट में तकरीबन 750 मिलीमीटर ब्लड कंज्यूम होता है, एक मिनट में 750 मिलीमीटर। यानी हमारा जो हार्ट है दिल, हमारे दिल से निकलने वाला जो खून है इसका तकरीबन 15% जो है हमारा दिमाग जो होता है इसको यूज़ करता है। हमारे ब्रेन में मौजूद सेल न्यूरॉन हमारी बॉडी के बाकी सेल्स की निस्बत ऑक्सीजन की कमी को बहुत प्रॉपरली तौर पर उसको सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इनका जो होता है ब्लड को जो सप्लाई है बहुत ज़रूरी होती है।